Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma और प्री रेंटेड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में मैं आज आपको लेके आया हूँ सेक्टर 45 में यूनिटेक कमर्शियल टावर 2 में, दैट इज़ लोकेटेड जस्ट नियर बाय टू हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। अगर मैं बात करता हूँ यूनिटेक कमर्शियल टावर 2 की, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेक्टर 45 में लोकेटेड है। यूनिटेक कमर्शियल टावर 1 जो है वो ऑलरेडी लीज्ड आउट है HSBC को, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है। पूरे का पूरा टावर है वो रेंट आउट है HSBC को और काफ़ी टाइम से रेंट आउट है। ये है यूनिटेक कमर्शियल टावर 2, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आपका रिटेल स्पेस है और ऊपर आपका 9 फ्लोर तक आपका कमर्शियल ऑफिस स्पेस जाता है। इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें एडिडास बैठा हुआ था, पूरे की पूरी जो बिल्डिंग है वो एडिडास के पास थी और काफ़ी सालों तक एडिडास इसमें रहा। उसके बाद एडिडास ने जैसे ही इसको वैकेंट किया लगभग 1.5 से 2 साल पहले, उसके बाद ये जो ऑफिस स्पेस के जो इसमें प्लेट्स थी वो आपकी पर फ्लोर प्लेट लीज आउट हुई है मल्टीपल टेनेंट्स को। टेनेंट्स की बात करूं तो इसमें आपको मैक्सिमम जो टेनेंट्स है वो पूरी फ्लोर प्लेट लेके बैठे हुए हैं और इसमें जो फ्लोर प्लेट का जो साइज़ निकल के आता है वो कहीं ना कहीं 15,000 से लेकर 17,000 के बीच में आता है। और जो सारे टेनेंट है वो आपके MNCs है और सारे के सारे बहुत ही अच्छी प्रोफाइल के टेनेंट है। अब बात करता हूं मैं लोकेशन की, तो लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्टर 45 की लोकेशन है, जो कि आपकी जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन, जो कि गुड़गांव में एक ऐसी लोकेशन मानी जाती है जहां से आसपास का एरिया आपका जज किया जाता है कि अगर हुडा सिटी सेंटर से आपकी कोई कनेक्टिविटी नज़दीक है तो उसको बड़ा ही प्रीमियम माना जाता है। और ख़ासकर ऑफिस स्पेस में जहाँ पर आपके एम्प्लॉइज़ का मैक्सिमम कम्युनिकेशन मेट्रो के थ्रू होता है, तो मेट्रो के नज़दीक जो भी आपका ऑफिस स्पेस होता है वो बिल्कुल प्रीमियम माना जाता है। सेक्टर 45 जो कि एक इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है जहां पर आज की डेट में दुनिया भर की कंपनीज ने ऑफिस स्पेस लीज आउट किया है, वो भी बिल्कुल साथ में ही लगता है। और इसी के साथ साथ यूनिटेक का दूसरा कैंपस, जिसको कि यूनिटेक साइबर पार्क के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको 4 टावर्स मिलते हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है और बहुत ही अच्छे टेनेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं, वो भी बिल्कुल आपका इस रोड के अक्रॉस आपको मिलता है। तो यूनिटेक के यहाँ पर 2 कैंपस बन जाते हैं कमर्शियल के, जहाँ पर आपको मल्टीपल टेनेंट्स और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं प्री रेंटेड के अंदर। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। सराउंडिंग में मैंने आपको बताया कि कमर्शियल में अगर बात करें तो यूनिटेक साइबर पार्क 2 है, और अगर मैं रेसिडेंशियल की बात करूं तो यूनिटेक की ही ग्रीनवुड सिटी करके एक बड़ी ही प्रीमियम लो राइज टाउनशिप है, फुली गेटेड टाउनशिप है, जहां पर आपको 3 करोड़ से लेकर 6-7 करोड़ तक के फ्लोर्स मिलते हैं, वो बिल्कुल इसके साथ लगती है। सो जो आपकी ये लोकेशन है, जो आपकी ये प्रॉपर्टी है यूनिटेक कमर्शियल टावर 2, इट इज़ टोटली सराउंडेड विद कमर्शियल एज वेल एज विद हाई एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यूनिटेक कमर्शियल टावर 2 में हमारे पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, एक है प्री रेंटेड रिटेल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद है प्री रेंटेड ऑफिस इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं प्री रेंटेड रिटेल इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एज वी नो के प्री रेंटेड रिटेल खासकर बड़ा ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। लोगों को ये लगता है कि जो रिटेल होता है वो कहीं ना कहीं खाली दुकान तो अप्रिशिएट करती ही करती है, साथ में अगर उसके अंदर टेनेंट बैठा हो तो आपकी जो सेशन है वो कई फोल्ड बढ़ जाती है, और जो रिटेल टेनेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रुकता है। तो रिटेल में अगर मैं बात करूँ तो पीछे जैसा कि आप देख सकते हो प्ले बॉय कैफ़े ने यहाँ पर रिटेल स्पेस को लीज पे लिया है, और उसके साथ साथ ही आगे अगर आप देखोगे तो पीटा पिट है, ग्लोरिया जीन्स है, इसी तरह से 2-3 टेनेंट्स और भी है जिन्होंने यहाँ पर रिटेल में स्पेस लिया है, और जैसा आप देख सकते हैं उसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है और अगले 2 से 3 महीने के अंदर एज़ पर द कन्फर्मेशन फ्रॉम ओनर ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इसमें भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, 1,000 स्क्वायर फीट से लेकर इसमें दुकानें स्टार्ट होती है जहाँ पर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिस लेवल के इसमें ब्रांड्स हैं सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड टेनेंट है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम आराम से मिलती है। अब बात करते हैं ऑफिस स्पेस की। ऑफिस स्पेस में भी मेरे पास इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 15,000 से 17,000 स्क्वायर फीट की जो एंटायर फ्लोर प्लेट है वो किसी एक सिंगल टेनेंट को ही लीज आउट की गई है, और उसमें क्या है कि वो मल्टीपल यूनिट्स को इकट्ठा करके किया गया है, तो उसमें आपको 1,000 स्क्वायर फीट से लेकर 1,400-1,500 स्क्वायर फीट तक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप उस तरह की इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो वो भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप देख रहे हो कि नहीं यार इंडिविजुअल
टेनेंट ही मिले जहाँ पर पूरे की पूरी कंपनी सिंगल यूनिट के अंदर बैठी हो, तो उस तरह का ऑप्शन भी मेरे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है जहाँ पर आप प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी पे मैं एम्फेसाइज क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टेट में एक टर्म है कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आपको एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है, वो है उस प्रॉपर्टी की लोकेशन। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है ना तो प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद अप्रिशिएट करेगी। और जहाँ तक बात है टेनेंट की, तो टेनेंट देखिए पूरी ज़िंदगी के लिए तो कोई टेनेंट रहता नहीं है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपकी ऐसी लोकेशन पे है जो कि अच्छी है तो वो टेनेंट जो चला जाता है उससे पहले पहले ही आपका दूसरा टेनेंट उस प्रॉपर्टी के अंदर लीज आउट हो जाता है। तो लोकेशन इस प्रॉपर्टी की ऐसी है, हुडा सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और जो ये रोड है ये सीधी आगे आपकी सोना रोड को जाएगी, और जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है मेट्रो का वो आपका सोना रोड पे होगा, और इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने आपका मेट्रो स्टेशन आएगा। अब उसमें टाइम कितना लगता है वो तो एक देखने वाली बात है, हो सकता है 1.5 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप आज खरीद रहे हो तो वो 1 साल के लिए तो नहीं खरीदोगे, क्योंकि 3 से 4 साल का आपको लॉक इन मिलता है और 9 से 12 साल की लीज़ है। और जिस तरह की लोकेशन है यहाँ पर, अगर 4 साल बाद भी आपका टेनेंट चला जाता है तो उससे पहले पहले आई एम श्योर आपकी प्रॉपर्टी फिर से लीज आउट हो सकती है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को 4 से 6 साल होल्ड कर सकते हो तो यहां पर आपको जबरदस्त एप्रिसिएशन आएगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये थी इस प्रॉपर्टी की बात। और इसके साथ साथ भी अगर हम बात करते हैं रिटेल की, तो हमारे पास हल्दीराम भी एज ए प्री रेंटेड ऑप्शन है, हमारे पास मैकडी भी है, क्रोमा भी है, इसके अलावा भी रिटेल में जो आपके अच्छे ब्रांड्स माने जाते हैं, रेप्यूटेड ब्रांड्स माने जाते हैं, उनको लीज्ड आउट प्रॉपर्टीज हमारे पास गुड़गांव के बहुत सारी लोकेशन के अंदर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है वो आपकी 1.5 करोड़ से लेकर स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 15 to 20 crore, डिपेंड्स अपॉन योर बजट एंड टेस्ट साइज। बात करें ऑफिस स्पेस की, तो इस लोकेशन के साथ साथ यूनिटेक साइबर पार्क 2 हो गया, उसमें भी है, इसके साथ साथ सोना रोड है, गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जहां पर आपकी पिछले 2-3 साल के अंदर मैक्सिमम लीजेज हुई है, वहां पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो If you are interested in pre-rented property investment, we have multiple options in office spaces as well as in retail spaces. So what you have to do, you have to just call us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. Or एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इसी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो चाहे प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के हो, चाहे रेसिडेंशियल के अंदर कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हो, हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल्स पर डालते रहते हैं, आपसे इस तरह की अपडेट मिस ना हो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है जहां पर मैंने बहुत सारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस को पोस्ट किया है, उस पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट का लिंक विज़िट कर सकते हो और वहां पर पोस्ट किए हुए प्री रेंटेड ऑप्शंस को देख सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट यूनिटेक कमर्शियल टावर 2। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।